हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौर। एंड फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है ना दोस्तों? तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। मैं ये चार्ट पढ़ूंगा ना, तभी आपको इसका मीनिंग सब समझा दूंगा। ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, थोड़ा बहुत ही मैं रीड करूंगा इसमें। ठीक है ना? तो चलो हम लोग इसको देखते हैं। बिजनेस हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एक तो हमारे इंडस्ट्री में और दूसरा हम क्लासिफाई करेंगे हमारे कॉमर्स में। ठीक है? इंडस्ट्री जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं बराबर। और कॉमर्स मतलब क्या होता है कि हम लोग ये जो भी कोई चीजें बना रहे हैं इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है ना? सेल करेंगे या फिर प्रोसेस करेंगे, जो भी कुछ रहता है ये सब कॉमर्स के अंदर इंक्लूडेड रहता है। ठीक है ना? तो चलो फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आगे चलता हूँ। इंडस्ट्री को हम लोग ने डिवाइड किया है फ्रेंड्स कितने टाइप्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी बेसिकली हमारा पूरा का पूरा किसके भरोसे पे रहता है, तो नेचर के भरोसे पे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो जैसे फर्स्ट हम लोगों का लिखा हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है भाई, जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है उससे हम लोग ये पूरा का पूरा जो मतलब बिजनेस चला रहे हैं ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है ना? तो अब ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमारे जो है जमीन हमारी कैसी होनी चाहिए वो, मतलब एक मिनट, हमारी जमीन एक तो फर्टाइल लैंड होनी चाहिए और साथ ही में आपको फर्टाइल लैंड होना चाहिए और साथ में आपका क्या बोलते हैं कि जहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत अहम भूमिका निभाएगी। तो एग्रीकल्चर के लिए ये बात हो गया। फिर हम चलते हैं आगे, हमारा एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव बिजनेस होती क्या है ये? तो एक्सट्रैक्टिव बिजनेस क्या होता है, ये भी पूरा नेचर से ही डिपेंडेंट रहेगा, जहाँ पे हम क्या करते हैं नेचर से जो भी कोई चीजें लेते हैं और उसको बेचते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्टिव बिजनेस। चाहे हम जमीन से निकाले, चाहे हम क्या करें, फिशरी करें, या फिर ये सब चीज जो होती है ये हमारी होती है एक्सट्रैक्टिव बिजनेस। ठीक है ना? जो क्या है कि हम लोग नॉर्मली इसको नेचर से लेते हैं और इसकी इंडस्ट्रीज चलती है जिससे हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अब जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, ये वो इंडस्ट्री है जहां पे हम क्या करेंगे, ये जो नेचुरल चीजें है जैसे प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको हम बोलेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सेरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बोले तो प्लांट से रिलेटेड होता है ये। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंडस्ट्रीज में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी हमने पढ़ा है अभी तक, मैंने प्राइमरी के बारे में बताया है। प्राइमरी हमारा पूरा का पूरा नेचर से डिपेंडेंट रहता है। ठीक है? अब बात रही हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आपको समझ गया। एक्सट्रैक्टिव, हम जो भी कोई नेचर से चीजें लेते हैं, निकालते हैं, इसको प्रोड्यूस करेंगे और फिर इसको फिनिश्ड करेंगे, फिनिश गुड्स में तब्दील करेंगे, ऐसी बहुत सी चीजें होती है बराबर ना, जैसे कि। और फिर उसके बाद में जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होता है मेनली, ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट तुम ऐसे बोल सकते हो कि प्राइमरी के ऊपर रहता है। ठीक है ना? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे हम क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों के बहुत सी चीज जो हम लोगों को एग्रीकल्चर से मिलती है ये होती है हमारी रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को हम लोग टर्न करते हैं फिनिश गुड्स में। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पोटेटो है, पोटेटो चिप्स के लिए तो रॉ मटेरियल ही था भाई। पोटेटो हमारे फैक्ट्री में आया, हमने उसका चिप्स बनाया, अब ये बन चुका है फिनिश गुड्स। तो ये होता है भाई यहाँ पे, कहाँ पे, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे मैंने क्या किया, आलू से चिप्स बनाया, ये आ गया मेरा सेकेंडरी में। और एक क्या आएगा, जैसे हमारे बिल्डिंग्स बनते हैं या फिर घर बन रहा है या फिर जो भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, ये हमारा कहाँ आएगा भाई, सेकेंडरी में। ठीक है फ्रेंड्स? मैं ये अब ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ। अब ये जो बेसिक है ये आपने पहले भी ज्योग्राफी में और आपके इकोनॉमिक्स में लो लेवल के क्लास में जैसे 7th 8th में स्टडी किया हुआ है। तो इसको मुझे खाली मीनिंग आपको याद करवा के देना है और ये आप अपने सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आई होप। ठीक है ना? तो ये तो हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है भाई? टर्शरी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है।
क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारा जो भी कोई लॉयर वगैरह हो गए, लॉयर हो गए, टीचर हो गए, ठीक है ना, तो जैसे हम कहीं अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं, तो ये सब चीज हमारे टर्शरी सर्विसेज में आ जाएंगे। तो जैसे क्या है कि यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है वो भी देख लेते हैं हम लोग चार्ट में, देखिए ध्यान से। ट्रांसपोर्ट दिया है, बैंकिंग दिया है, होटल दिया है, टूरिज्म दिया है और एंटरटेनमेंट दिया है, ये है हमारा टर्शरी सर्विस, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो टर्शरी बेसिकली सर्विस से रिलेटेड होता है, इतना हम लोगों को समझ गया। अब चलते हैं आगे, आगे क्या बता रहा है ये, ट्रेड, ट्रेड में है हमारा होम ट्रेड, दूसरा है फॉरेन ट्रेड, होम ट्रेड के अंदर है होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड के बाद में है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं बल्क में सामान बहुत ज्यादा खरीदते हैं। किससे खरीदेंगे हम लोग, मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर से हम लोगों ने ये सामानों को खरीदा है, गुड्स को, या गुड्स को, और क्या करेंगे हम लोग इसको रिटेलर को बेचेंगे। होलसेलर कौन होता है, जो बहुत ज्यादा सामान, बहुत ज्यादा मात्रा में सामान खरीदता है और वो रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर क्या करता है फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। रिटेलर इतना ज्यादा स्टॉक अपने पास में नहीं रखेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको समझ जाता है कि उसके दुकान से कितनी चीजें बिकने वाली है, उतना ही वो ऑर्डर देता है और अपने इधर सामान को भरवाता है, ठीक है। तो ये रिटेल भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड में है भाई इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट, सॉरी इंटरपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट। तो अब देखो ये बहुत जल्दी जल्दी और फटाफट समझ जाएगा यार आपको। इंपोर्ट मतलब क्या होता है कि मैंने बाहर के कंट्री से कुछ गुड्स को अपने देश में मंगवाया, ये हो गया इंपोर्ट। सिंपल यार, हमने गुड्स को बाहर की देश से मंगवाया, ये हो गया हमारा इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट क्या होएगा, जब हम अपने गुड्स को दूसरे कंट्रीज में भेज रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक्सपोर्ट। अब जो थर्ड है वो बहुत ही मजेदार है इससे भी, ये क्या है, इंटरपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट में होता क्या है, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक कंट्री से वो गुड्स को मंगवाता हूँ, क्या करता हूँ, एक कंट्री से वो गुड्स को मंगवाता हूँ, उस पे कुछ प्रोसेसिंग कुछ करना होता है वो करता हूँ, और दूसरे कंट्री में उसको भेज देता हूँ। क्या था भाई, पहले इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, उस पे कुछ काम करना था काम किया, और उसको भाई वापिस एक्सपोर्ट कर डाला हमने, इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। खत्म, खलास, हमारा आधे से ज्यादा आंसर पढ़ के हो गया। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आंसर है हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, लगभग हर कॉलेज में ये पूछा ही जाएगा। तो आपको है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, और ये एकदम इजी है, आप इसको मन से भी लिख सकते हो। खाली आपको ये चार्ट अगर अच्छे से याद रहेगा ना, आपके काम हो गए, जितने भी मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स का, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। चलते आगे, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो बिजनेस को चलाने के लिए काम में आता है। जब तक ये जो चीज है, ये चीज नहीं रहेगी, हमारी बिजनेस इफेक्टिव तरीके से नहीं काम कर पाएगी, ठीक है ना, समझते हैं इसको भी। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ये बिजनेस के और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, मर्केंटाइल एजेंट हो गया, और कम्युनिकेशन। अब देखो यार, हमको ये जो बिजनेस या फिर ट्रेड व्यापार चलाना है, तो हमको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज तो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे इधर से उधर बेच पाएंगे। वेयर हाउसिंग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने कोई माल को बनाया, या फिर हमने माल लाके रखा हुआ है रॉ मटेरियल, तो उसको स्टोर करने की जगह होनी चाहिए, फिनिश गुड्स को स्टोर करने की जगह होनी चाहिए, तो वेयर हाउसिंग भी जरूरी है। इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी भी आपके यहाँ आग लग सकता है, कभी भी बाढ़ आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये नुकसान से बचने के लिए आपको इंश्योरेंस भी करवाना है। बैंकिंग, बैंकिंग फैसिलिटी तो बहुत अच्छा है यार, बैंकिंग, बैंकिंग नहीं रहेगा तो किस तरीके से आपके बिजनेस चल पाएंगे भाई। बैंकिंग नहीं रहेगा तो इतने लाखों करोड़ों के आप घर पे रखेंगे कि हम पैसे चोरी वोरी हो जाएंगे, तो बैंक में सेफ पड़े। एडवर्टाइजिंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एडवर्टाइजिंग भी, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के भी ये होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती है जो क्या करती है, हमारी अच्छी तरीके से जो भी कोई बिजनेस होता है उसका एडवर्टाइज करती है, और हम लोग बुलंदी पे पहुंचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं उससे। मर्केंटाइल एजेंट मतलब एजेंट्स जो होते हैं,
वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब टेली कम्युनिकेशन, हमको जिस भी तरीके से कम्युनिकेट करना है, जैसे हम लोगों का फोन हो गया या फिर तुम्हारा इंटरनेट हो गया, तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जब तक नहीं रहेगा तो हम कोई बिजनेस ढंग से कर नहीं सकेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें बहुत बड़ा टॉपिक एक साथ में कवर कर लिया, बट मैं यहाँ पे थोड़ा भी नहीं रीड करने वाला हूँ, क्योंकि आई होप कि ये जो है आंसर बहुत इजी है। अगर आपका चार्ट अच्छे से लर्न हो गया ना, तो आप खुद ही अपने मन से इस आंसर को लिख सकते हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्राइमरी सेक्टर मतलब बेसिकली पूरा का पूरा एग्री का सॉरी नेचर से डिपेंडेंट रहेगा। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो प्राइमरी के भरोसे पे चलता है वो होता है हमारा सेकेंडरी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होएगा और अपना क्या होएगा कि तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह होगा। बेसिकली ये प्योरली प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। टर्शरी हमारा होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो हो गया, खत्म हो गया। अब ट्रेड होते हैं दो तरीके के, एक होता है होम ट्रेड और दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या था भाई, रिटेल होलसेल, फिर उसके बाद में इसमें था इंपोर्ट एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट या फिर एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट मतलब बहुत मस्त था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो क्या ही बताने की जरूरत है, आपको बचपन से ही पता है। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, जो हम लोग बाहर के देश से मंगवाते हैं वो हो गया इंपोर्ट, जो हम अपने कंट्री से कुछ माल को बाहर बेचते हैं वो हो गया एक्सपोर्ट। एंटरपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि हम लोग एक कंट्री से खरीदते हैं और दूसरे कंट्री में इसको बेच देते हैं, वो हो गया हमारा एंटरपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट। फिर ऑक्सिलरेट्स टू बिजनेस था हमारा, क्या क्या था कि उसमें हमने बहुत सारे चीजों को पढ़ा कि हम लोगों के इधर टेली कम्युनिकेशन होना जरूरी है, सॉरी मतलब कम्युनिकेशन होना जरूरी है, एडवर्टाइजिंग होना जरूरी है। फिर उसके बाद में और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने ऑक्सिलरीज में, ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, वेयर हाउसिंग, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए। सो आई होप कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस था बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। आप इसको वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, उसके बाद में आपके जो भी कोई टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो आंसर दिया हुआ है उसको अच्छी तरीके से रीड कीजिए। आई होप कि आपको 100% वो आंसर समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।